हेलो, आई एम डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी एट LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एस्कोमाइकोटिना में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़, जिनको कि एस्कोकार्प्स कहा जाता है। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉल्ड एज एस्कोकार्प और एस्कोमा। एस्कोमाइकोटिना में पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ को एस्कोकार्प कहते हैं, या इन्हें एस्कोमा भी कहा जाता है। द प्रोटेक्टिव कवरिंग द SI एंड द अदर स्टेराइल स्ट्रक्चर्स अमंग द SI कंस्टिट्यूट द एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके अंदर पाए जाने वाले SI और अन्य स्टेराइल टिश्यू मिलकर के एस्कोकार्प बनाते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विद इन द एस्कोकार्प कंस्टिट्यूट द सेंट्रम। एस्कोकार्प के अंदर जो भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको सबको मिलाकर के सेंट्रम कहा जाता है। द टर्म सेंट्रम वॉज कॉइन्ड बाय वेमेयर इन 1926। इस टर्म को वेमेयर ने 1926 में कॉइन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द सेंट्रम इज़ द टोटैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय एन एस्कोकार्प वॉल। उनके अनुसार एस्कोकार्प वॉल के अंदर पाई जाने वाली जो भी समस्त संरचनाएं हैं उन सबको मिलाकर के सेंट्रम कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रम फोर टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प्स आर क्लासिफाइड। सेंट्रम की बेसिस पे चार प्रकार के सेंट्रम क्लासिफाई किए गए हैं, जिनके की नाम है, पहला है क्लिस्टोथीशियम, दूसरा पेरीथीशियम, तीसरा एपोथीशियम एंड चौथा एस्कोस्ट्रोमा। ये चार प्रकार के जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इनको इनकी शेप के आधार पर मुख्य तरह से नाम दिया गया है, और इसके अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़ के आधार पर भी। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको विभिन्न प्रकार के ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ ये देखिए, ये पहले स्लाइड में आपको क्लिस्टोथीशियम दिखाई दे रहा है। ये क्लिस्टोथीशियम है, ये सारे क्लिस्टोथीशियम एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्लिस्टोस का मतलब होता है क्लोज और थीके का मतलब होता है केस। तो यहाँ पर देखिए, ये क्लोज्ड केस दिखाई पड़ रहा है आपको, बिल्कुल छोटी सी बॉल लाइक संरचना दिखाई दे रही है जो कि चारों तरफ से सब तरफ से बंद है। तो इसलिए इस संरचना को क्लिस्टोथीशियम कहते हैं, और इस संरचना के अंदर SI पाए जाते हैं और उन SI के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो क्योंकि ये संरचना चारों तरफ से हर तरफ से बंद है, इसलिए इस फ्रूटिंग बॉडी को क्लिस्टोथीशियम कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दूसरे शेप का एस्कोकार्प, जिसको कि पेरीथीशियम कहते हैं। ये देखिए, ये है पेरीथीशियम। इन दोनों डायग्राम में पेरीथीशियम भी दिखाई दे रहे हैं। इस वाले डायग्राम में आपको एक डायग्रामेटिक या आउटलाइन डायग्राम से आपको अंदर की संरचना दिखाने की कोशिश करी है, जबकि ये थोड़ा सेलुलर सा डायग्राम है। इसको और हम बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक पेरीथीशियम है जिसके की आकार इस प्रकार का होता है, और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये कोनिडियोफोर्स पाए जा रहे हैं, सॉरी ये हैं एस्कस, ये SI हैं, और इसमें इनके डिहाइसेंस के बाद में ये बहुत सारे जो हैं ये एस्कोस्पोर्स हैं। ये देखिए, एस्कोस्पोर्स हैं, और इस इनके अलावा इसमें बहुत सारे स्टेराइल टिश्यूज भी हैं, और ये पूरी जो है ये पेरीथीशियम की वॉल है। अब इस तरफ देख लेते हैं इसका डायग्रामेटिक डायग्राम। ये देखिए, इसी शेप का स्ट्रक्चर है जो कि पेरीथीशियम कहलाता है। पेरीथीशियम में पेरी का अर्थ होता है अराउंड। तो ये एक सेंट्रल टिश्यूज़ को घेरे हुए है, और इसमें ये लंबे लंबे से देखिए ये एस्कोस्पोर्स हैं, और इसमें यहाँ पर ये देखिए स्टेराइल टिश्यूज़ जिनको कि पेरीफाइसिस कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। इस प्रकार का पेरीथीशियम जनरली हमें स्ट्रोमेटल हेड्स में देखने को मिलता है। ये स्ट्रोमेटल हेड्स क्लेविसेप्स में के स्क्लेरेशियम के जर्मिनेशन के पश्चात बनते हैं,
इसमें देखिए ये कई सारी ये पेरिथीशियल कैविटीज़ हैं, ये देखिए ये कई सारी पेरिथीशियल कैविटीज़ हैं, और ये जो है ये एक कैविटी को हमने आपको डिटेल डायग्राम में दिखाया है। तो इस प्रकार की संरचना कहलाती है पेरिथीशियम। नेक्स्ट आ जाते हैं एपोथीशियम। एपोथीशियम जो है वो एक कप लाइक संरचना होती है, ये देखिए ये कप लाइक संरचना है, ये डायरेक्टली ऑन ऑर्गेनिक मैटर पे जर्मिनेट करते हैं, आपको सॉइल पर भी कभी दिखाई पड़ सकते हैं, उसके अंदर जहाँ भी कहीं ऑर्गेनिक मैटर होगा ये दिखाई पड़ सकते हैं। तो बाहर से देखने पर ये इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, जबकि अगर इसका सेक्शन काटा जाए और इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए ये इस प्रकार दिखाई पड़ता है, ये पूरा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में ये जो माइसीलियम ही हैं, ये माइसीलियम के एक्सटेंडेड सिरे में एस आई का डेवलपमेंट हो रहा है, ये देखिए एस आई का डेवलपमेंट हो रहा है, सिंगुलर को एस्कस कहते हैं, और हर एक एस्कस के अंदर ये देखिए आप 8 एस्कोस्पोर्स देखने को मिलेंगे, है ना, ये हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। इनके अलावा स्टराइल टिश्यू भी पाया जाता है जिनको कि पैराफाइसिस कहते हैं, और इन एस्कस का जो लोअर लूज एंड है माइसीलियम का उस पार्ट को कहते हैं हम हाइमीनियम, और जबकि लोअर पार्ट को कहते हैं सब हाइमीनियम। इस प्रकार देखिए ये संरचना, इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं इस तरफ से। एक अगर एस्कस को हम देखें तो ये देखिए इस प्रकार की संरचना है, ये एक एस्कस है, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। दो एस्कस के बीच में ये स्टराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हैं जिनको कि पैराफाइसिस कहते हैं, और ये जो स्टराइल पार्ट है इसमें, ये स्टराइल पार्ट ये कहलाता है सब हाइमीनियम, जबकि ये फर्टाइल पार्ट जो है ये हाइमीनियम कहलाता है। तो इस प्रकार की कप शेप जो संरचना है, कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है, वो कहलाती है एपोथीशियम। इस प्रकार का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है पिजाइजा में। नेक्स्ट टाइप आ जाता है एस्कोस्ट्रोमा। ये देखिए एस्कोस्ट्रोमा, एस्कोस्ट्रोमा भी लगभग क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है, लेकिन इसमें और दूसरे क्लिस्टोथीशियम में अंतर ये होता है कि इस एस्कोस्ट्रोमा में कई लोक्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये एक लोक्यूल, ये दूसरा लोक्यूल, ये तीसरा लोक्यूल, मतलब कि एक ही फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पार्टीशंस पाए जाते हैं, और हर एक पार्टीशन के अंदर की जो जगह है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार एक ही फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये कई लोक्यूल हमको दिखाई पड़ते हैं, और हर एक लोक्यूल के अंदर एस्कस का डेवलपमेंट होगा। ये देखिए ये हर एक लोक्यूल के अंदर ये एस्कस, और इन एस्कस के अंदर आपको एसआई या एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें कि कई प्रकार के कई तरह के लोक्यूल्स पाए जाते हैं, और इन लोक्यूल्स के अंदर एसआई होते हैं और एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है एस्कोस्ट्रोमा। एस्कोस्ट्रोमा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें एस्कोस का अर्थ होता है सैक एंड स्ट्रोमा का अर्थ होता है मैट्रस, मतलब कि गद्दे लाइक संरचना। इस प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोस्ट्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एसआई। इसका सिंगुलर होता है एस्कस। एसआई में भी प्रोटोट्यूनिकेट, यूनिट्यूनिकेट एंड बाइट्यूनिकेट। एसआई प्रोटोट्यूनिकेट हो सकते हैं, यूनिट्यूनिकेट हो सकते हैं, या बाइट्यूनिकेट हो सकते हैं। यूनिट्यूनिकेट का अर्थ है एक सिंगल वॉल, जबकि बाइट्यूनिकेट का अर्थ हुआ डबल वॉल। प्रोटोट्यूनिकेट का अर्थ हुआ कि इसमें एक स्पष्ट सेल वॉल नहीं है, जबकि कुछ पतली झिल्ली नुमा सी वॉल पाई जाती है।
प्रोटोट्यूनिकेट एसआई हैव थिन डेलिकेट वॉल एंड रिलीज देयर स्पोर्स बाय ब्रेकिंग अपार्ट सिंस देयर इज नो पोर फॉर लिब्रेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। प्रोटोट्यूनिकेट टाइप के जो एस्कस होते हैं उनकी वॉल थिन होती है, डेलिकेट होती है, और इनकी कंप्लीट वॉल के ब्रेकिंग से ही एस्कोस्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एस्कस में किसी भी प्रकार का कोई पोर नहीं पाया जाता है। यहाँ देखिए ये कंप्लीट क्लोज संरचना है और ये जो वॉल है ये थिन डेलिकेट वॉल है और इसमें कोई पोर नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो एसआई होता है या एस्कस होता है उसको प्रोटोट्यूनिकेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट्यूनिकेट एंड बायट्यूनिकेट एसआई। यूनिट्यूनिकेट एंड बायट्यूनिकेट एसआई हैव वॉल्स ऑन देयर आउटर साइड और इनकी आउटर वॉल एक्टो एस्कस कहलाती है या इसको एक्टो ट्यूनिका भी कहते हैं, जबकि इनर वॉल एंडो एस्कस या एंडो ट्यूनिका कहलाती है। ये देखिए ये एंडो ट्यूनिका और ये है आउटर वॉल लेयर एक्टो एस्कस। इस डायग्राम में आप देखिए दीज बोथ हैव एपिकल पोर थ्रू विच एस्कोस्पोर्स एस्केप। इन दोनों प्रकार के एस्कस में एपिकल पोर पाया जाता है जिसके थ्रू एस्कोस्पोर्स का लिब्रेशन होता है या वो बाहर की तरफ निकलते हैं एंड डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हेड है रिलीज ऑफ एस्कस। अब ये एस्कस जो है वो अपनी फ्रूटिंग बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं, इनके भी कई प्रकार के मेथड्स हैं। रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर्स में भी एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव। When एस्कोकार्प is क्लिस्टोथीसियम, एस्कस enlarges and protrudes through the confining एस्कोकार्प wall. The wall is become under some strain and suddenly snaps shut, ejecting the entire एस्कस to several centimeters. The एस्कस forcibly ejects its एस्कोस्पोर्स। जहाँ पर ये क्लिस्टोथीसियम प्रकार का फ्रूटिंग बॉडी है उसमें एस्कस कुछ एनलार्ज हो जाता है और वॉल के थ्रू कहीं से भी वो प्रोट्यूड आउट होने लगता है और ये वॉल प्रोट्यूड आउट होने से कुछ ये स्ट्रेन में आ जाती है अर्थात दबाव में आ जाती है और इस तरह से कुछ प्रेशर अंदर क्रिएट हो जाता है और एस्कस जो है वो फोर्सिबली इजेक्ट हो जाते हैं फ्रूटिंग बॉडी से। और ये फ्रूटिंग बॉडी के इजेक्ट होने के बाद में एस्कस में से एस्कोस्पोर्स जब डिस्पर्स होने लगते हैं तो ये एक बहुत डेंस क्लाउड की फॉर्म में डिस्पर्स हो जाते हैं। ये देखिए क्लाउड की फॉर्म में। इट इज़ अ कॉमन फीचर। दिस फिनोमिनन इज़ आल्सो नोन एज पफिंग। जब बहुत सारे एस्कोस्पोर्स एक साथ बाहर निकलते हैं तब इस फिनोमिनन को पफिंग कहते हैं। टेम्परेचर लाइट एंड एयर करेंट्स अफेक्ट पफिंग। ये जो पफिंग का जो फिनोमिनन है ये टेम्परेचर लाइट एंड एयर करंट्स के आधार पर इन पे निर्भर करता है। ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर इनके डिस्पर्सल का ही मैंने मेथड दिखाया है। ये देखिए पेरिथीशियम है, ये पेरिथीशियम है, इसमें से ये एस्कस जो है वो बाहर निकल रहा है। ये देखिए ये फोर्सिबली बाहर आ गए हैं यहाँ पर से। और इसी तरह ये देखिए यहाँ पर ये मैच्योर डिटैच्ड एस्कस है। इस पेरिथीसियम में से भी ये देखिए प्रोट्यूडिंग एस्कस दिखाई पड़ रहा है और इसी तरह यहाँ पर वाटर अपटेक इज पॉसिबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर विच causes explosive release of एस्कोस्पोर्स। इन लोअर एंड पेरिथीशियल फंजाई हैविंग ऑस्ट्यूल इन एसआई रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर्स अकर ओनली इफ एसआई प्रोट्यूड थ्रू द ऑस्ट्यूल। जिस प्रकार से इस प्रकार डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इस फ्रूटिंग बॉडी में से एसआई जब निकलते हैं या प्रोट्यूडिंग दिखाई पड़ रहे हैं निकलती हुई अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं
तभी इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है कि ये फोर्सिबली या एक्सप्लोजिव नेचर से बाहर निकलते हैं। और वाटर अपटेक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टर्गर प्रेशर क्रिएट होने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्पोर्स जो है वो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं। तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। दे मे बी राउंड, ओवल और रेनिफॉर्म इन शेप एंड जनरली यूनिसेलुलर। उनकी शेप राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है या रेनिफॉर्म हो सकती है और जनरली ये यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक ही सेल के स्पोर्स होते हैं। बाई और मैनी सेल्ड एस्कोस्पोर्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन लैक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। लैक्यूलो एस्कोमाइसिटीज में बाई और मल्टी सेलुलर एस्कोस्पोर्स भी पाए गए हैं। वॉल्स आर थिकर देन वेजिटेटिव सेल्स। इनकी वॉल्स वेजिटेटिव सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा थिक होती हैं। एंड एस्कोस्पोर वॉल इज कम्पोज ऑफ एंडो एपी एंड पेरिस्पोरियम लेयर्स इन यू एस्कोमाइसिटीज। यू एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर की वॉल है वो एंडोस्पोरियम, एपिस्पोरियम एंड पेरिस्पोरियम कहलाती है। अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स इन एन एस्कस इज वेरिएबल। इट मे बी यूनिसीरिएट, बायसीरिएट और पैरेलल। एस्कोस्पोर्स का एस्कस के अंदर अरेंजमेंट वेरिएबल है, अर्थात अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। इट मे बी यूनिसीरिएट या बायसीरिएट या पैरेलल हो सकता है। नंबर ऑफ एस्कोस्पोर पर एस्कस इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज। एक एस्कस में पाए जाने वाले एस्कोस्पोर्स की संख्या निश्चित होती है, जनरली ये 8 होती है। इन सम केसेस नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स इंक्रीजेस विद इन एन एस्कस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। कुछ स्पीशीज में बडिंग प्रोसेस द्वारा नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स बढ़ जाते हैं। तो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोस्पोर्स। ऐसी बर्ड्स को ब्लास्टोस्पोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है टेफ्रीना डिफॉर्बिस।